राजवाड़ों की धरती राजस्थान में बीते 3 दशक से जो रिवाज चल रहा है वो अब भी कायम है। कांग्रेस के तमाम फ्री वाले वादे हो या कुर्सी के लिए की गई सियासी दोस्ती, कांग्रेस की कोई भी रणनीति राजस्थान के रिवाज नहीं बदल पाया और आखिर में राज बदल गया। 27 अक्टूबर को अशोक गहलोत ने कांग्रेस की 5 गारंटी का ऐलान किया। ये 5 गारंटी थी: गौधन गारंटी, फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी, प्राकृतिक आपदा राहत गारंटी, अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी और ओपीएस गारंटी, यानी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की गारंटी। इसके ऐलान के साथ ही गहलोत ने जनता से वादा किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट हुई तो इन 5 गारंटियों का लाभ हर परिवार को मिलेगा। इन 5 गारंटी के अलावा भी कांग्रेस की ओर से कई वादे किए गए थे, जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और हर परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए देने की गारंटी भी दी गई थी। लेकिन 3 दिसंबर को जब ईवीएम खुले और जनता का आदेश सामने आया तो कांग्रेस के सारे वादे धरे के धरे रह गए और राजस्थान के जादूगर का जादू छूमंतर हो गया। बहरहाल, एक ओर जहां बीजेपी अपनी जीत के जश्न में डूबी है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने हार के कारणों पर माथापच्ची में जुट गई है। लेकिन राजस्थान के नतीजों ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सियासी गारंटी कितने भी लोक लुभावने क्यों न हो, चाहे कुछ भी कयास क्यों न लगा ले, चाहे वादे और दावे कितने भी कर ले, राजस्थान का रिवाज सूबे का एक मजबूत स्तंभ है और 3 दिसंबर 2023 का आया नतीजा इसका एक और उदाहरण। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।